चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। दोस्तों आज की जो टेक न्यूज है बहुत ही जबरदस्त है फ्रेंड्स, ये इस हफ्ते की फर्स्ट न्यूज है तो हम तक जरूर देखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही जबरदस्त न्यूज है फ्रेंड्स, तो हम तक जरूर देखेगा फ्रेंड्स। तो एक वीडियो शुरू करने से अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है शाओमी की तरफ से। शाओमी का जो मी ब्रांड है फ्रेंड्स उसके कुछ फोन लॉन्च होने वाले थे टी सीरीज के, ठीक है फ्रेंड्स। मी 10 टी सीरीज के जो फोन है वो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन है वो लीक हो गए फ्रेंड्स लॉन्च के पहले। तो उसके कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड्स कि उसके अंदर जो मी 10 है फ्रेंड्स, ठीक है, मी 10 टी उसके जो ऐसे स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड्स कि उसके अंदर आपको जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 865 का आपको प्रोसेसर मिलता है फ्रेंड्स, और जो उसके अंदर जो रैम टाइप है वो LPDDR5 मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ साथ जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 का आपको स्टोरेज मिल जाता है, ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर ऐसा बताया गया कि इसके अंदर आपको 144Hz का आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है, ठीक है। और जो स्क्रीन साइज होगी वो फ्रेंड्स 6.67 इंचेस की आपको फुल HD प्लस आपको रिजोल्यूशन की आपको डिस्प्ले मिलती है। तो अच्छा है फोन फ्रेंड्स, तो देखेंगे, ठीक है। और साथ साथ Gen T का जो प्रो है फ्रेंड्स उसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है, ठीक है। तो अच्छा फोन है फ्रेंड्स, तो देखेंगे किस प्राइस पॉइंट पे आता है, कैसे आता है, किस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है सब पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है नोकिया की तरफ से। नोकिया के जो 3 फोन है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा बताया कि वो नवंबर के अंदर वो लॉन्च होंगे फ्रेंड्स। वो कौन से फोन है फ्रेंड्स? नोकिया 9.3 प्योर व्यू के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स, ये फोन हो गया। दूसरा फोन है नोकिया 7.3 5G और तीसरा फोन है नोकिया 6.3, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो फोन है ये नवंबर के अंदर आपको लॉन्च करके देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके जो ऐसे स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं इसके अंदर कि 120Hz का डिस्प्ले हो सकता है, 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल सकता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 का प्रोसेसर मिल सकता है इसके अंदर, यानी कि 6 सीरीज के प्रोसेसर हो सकते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर, और 18W का फास्ट चार्जिंग भी मिल सकता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स किस तरीके के इसके अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं लॉन्च के टाइम इसका पता चली जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे फ्रेंड्स अगर ये हमारी टेक्निक अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो रियलमी की तरफ से आ रही है। रियलमी का जो 7i है वो माधव शेठ जी ने उसको ऐसा बताया है कि वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स। उसका जो सपोर्ट पेज है वो लाइव हो गया है फ्रेंड्स, तो देखेंगे जैसे ये लॉन्च होता है तब पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स इसके अंदर क्वाड कैमरा का सेटअप हो सकता है फ्रेंड्स 64 मेगापिक्सल का, तो देखेंगे जब ये लॉन्च होता है तब किस प्राइस पॉइंट पे आता है तब पता चली जाएगा, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी का जो नया क्यू सीरीज लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स उसकी जो तारीख ऐसी बताई गई कि वो अक्टूबर 13 में लॉन्च हो सकता है फ्रेंड्स। तो अच्छा है फ्रेंड्स, तो देखेंगे फ्रेंड्स कैसा है। लेकिन इसके जो रूमर्स आए हैं इसके स्पेसिफिकेशन ऐसा बताया कि इसके अंदर आपको 6.43 इंच के आपको फुल HD प्लस आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है। साथ साथ इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो 2.4 GHz के ऊपर क्लॉक्ड है, यानी कि वो हो सकता है 865 का प्रोसेसर हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर जो रैम वो रैम आपको 6GB मिल सकती है, और जो स्टोरेज है वो 256GB का आपको स्टोरेज मिल सकता है। और इसके अंदर ऐसा बताया कि 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर मिल सकता है बैक में, ठीक है। 8 मेगापिक्सल और 2-2 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छा फोन है फ्रेंड्स, तो देखेंगे जब ये लॉन्च होता है तो किस तरीके के इसके अंदर स्पेसिफिकेशन होते हैं तो पता चल ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने टीज कर दिया कि उनका जो नया टैब है फ्रेंड्स सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 वो बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है फ्रेंड्स इंडिया के अंदर। उसके कुछ ऐसे बताया कि इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमोस का आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ साथ इसके अंदर आपको 10.4 इंच की आपको स्क्रीन भी मिलती है, तो अच्छा दिख रहा है फ्रेंड्स। वैसे ये टैब जो है
तो देखेंगे फ्रेंड्स। वैसे भी अभी जो भी है वो टैब्स का ही मॉल है, यानी कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स होती है वो टैब के ऊपर ही करते हैं लोग, तो अच्छा है फ्रेंड्स। तो देखेंगे जब ये लॉन्च होता है तब किस तरीके का इसके अंदर स्पेसिफिकेशन होता है, कौन से प्राइस पे आता है, तब पता चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यही थी आज की टेक न्यूज़। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ अपने फ्रेंड के शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।